थोड़ा ज्यादा होने वाला। हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसे कि आपको पता है आज टुडे इज मैरी क्रिसमस, तो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं चिकन। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल, ठीक है। तो चिकन के लिए हम रेडी हो चुके हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ बन रखा हूँ, ठीक है। मेरा एप्रन तो कुछ खास है। कहाँ से लेके आया शरण एप्रन? Meanwhile, जी यार कुकिंग तो करनी है पर एक यार प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए, यार प्रोफेशनलिज्म भी आना चाहिए ना। अपने पास एप्रन भी नहीं है, एप्रन भी चाहिए अपने को यार, थोड़ा लगना चाहिए प्रोफेशनल। कैसे करेंगे? मेरे पास एक जुगाड़ है, पता क्या क्या जुगाड़ है? अरेंज करता हूँ, रुक। तो इनका कोई दिमाग चला है, देखते हैं कि इनका दिमाग क्या चल रहा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरे को एकदम मस्त एक्सपर्टीज वाला प्रोफेशनल शेफ बना के दूंगा। बना बना, आज आज लग रहा है हॉस्पिटैलिटी काम आ रही है। तो गाइस हम शेफ बनने वाले हैं, देख रहे हो? ये तेरा अरे जॉर्ज, ये सही है, सही है, सही है। तो गाइस जैसे आपने देख लिया मैं कि प्रोफेशनल शेफ बन चुका हूँ, ठीक है। पूरी फीलिंग आ रही होगी आपको भी प्रोफेशनल शेफ वाली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पास आओ पास आओ मनीष जरा इनको दिखाओ। ये चिकन है, ठीक है, प्याज टमाटर, ठीक है, काजू वाजू भी रख लिए हमने। देखो महंगे वाला चिकन बनने वाला है आज, ठीक है। मसाला वसाला सब हमने बना लिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये कंटेंट के लिए है, नहीं भाई, तुम्हारा भाई पूरा रोज रोज ऐसी मील खाता है, अबे ऐसे नहीं बॉडी शॉडी बना रहे हैं। तो हम रोज ऐसी ही मील खाते हैं, ठीक है। छोड़ो यार पति यार, छोड़ो यार, कंटेंट वेंटेंट बाद में कर लेंगे, ऑर्डर का खाना बाद में करेंगे यार। कसम से भूख इतनी लग रही है, भूख पहले अपना पेट निभलाते हैं। कट कर दो, कट कर दो यार, ठीक है। वही तो पता है, लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें, हैं? बताओ तो लोगों को पता चल गया ना ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है। कसम से फटने वाली है, तो ब्रेड खा खा के पेट भरना पड़ता है यार आगे। लोगों को दिखा रहे चिकन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ठीक है यार। तो समझे बोर हो चुका हूँ यहाँ पे आके, लोगों को गिरा हुआ खाना भी खा। It was at this moment that Nathan knew he fucked up. मेरे तो एल लग गए। रिकॉर्ड कर रहे क्या? नहीं नहीं ऐसी है। अबे तो गाइस वी आर बैक, ठीक है। तो अभी हमारे चिकन कट रहे हैं, मनीष जी चिकन काट रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रोफेशनल शेफ तो मैं हूँ, मेरे असिस्टेंट हैं ये, ठीक है। मैंने असिस्टेंट रखे हैं क्योंकि आपको पता ही है बड़े बड़े शेफ्स के असिस्टेंट्स भी होते हैं। तो ये हमारे असिस्टेंट हैं अभी। और मनीष जी ध्यान से काटना, ठीक है, नहीं तो मैं आपकी सैलरी काट लूँगा। Yes, हाँ देख रहे हो, फुल प्रोफेशनलिज्म। चाकू देखो भाई, गर्दन काट सकते हैं इससे, बताना मत किसी को। एक्चुअली जब ये काम ठीक नहीं करते ना, इनकी गर्दन इसी से काटूंगा किसी दिन। हाँ समझ रहे हो। तो बस अभी सामान वान रेडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये चिकन विकन कटता है, ठीक है, तो मिलते हैं आपको, सी यू। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो हमारा चिकन कट के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे मैरिनेट करते हुए। पर उससे पहले, ठीक है, जिस जिसने लाइक बटन नहीं दबाया पहले जाके लाइक बटन दबा दो, ठीक है। और नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जाके तोड़ो, मारो, उस पर कुछ भी फेंको, उसको जाके दबा दो भाई, दबा दो उसको। तो
चलो चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, ठीक है। एक स्पून ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें दही डाल रहे, कर्ड डाल रहे, कर्ड। तो शरण, ये मैरिनेशन के लिए मसाले में क्या क्या बनाया है आपने? मसाले में हमने पहले इसमें डाला है सरों का तेल, ठीक है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। आप मेरे को ऐसे क्यों करा रहे हो? मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ भाई। शेफ वो बना रहे, क्या कहते हैं उसको, जो कुकिंग वाली वीडियोज नहीं आती, आंटियाँ कुकिंग कर रही होती है, वो सब थोड़ी कर रहा हूँ मैं। बताओ यार क्या करो। कोई नहीं, ऑडियंस को भी तो पता चलना चाहिए। कितना चूतिया काटेगा मेरा, कितना भाई? चूतिया काटने की एक हद होती है, हद होती है, कभी कभी रुक जाते होते हैं, जरूरी नहीं है कि काटते चले जाओ, रुक जाते होते हैं कभी। हाँ, जिंदगी इट्स ओके, इट्स वेरी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे प्रोफेशनल शेफ को कितना ध्यान है, ये भी सही है। तो इसको हम मिक्स करेंगे अभी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसकी चटनी बना देंगे, चटनी, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन रंग आया है इसमें, फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड टेस्ट। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है मैरिनेशन की। दूसरे को भी कर लेंगे। ये दो इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमारा चिकन बहुत ज़्यादा है, हम 2 किलो चिकन बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 डब्बे में कर रहा हूँ, 1 डब्बे में पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको मैं फेंक दूँगा, किसी काम में नहीं। तो अब हम थोड़ा सा चिकन निकालेंगे, चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये अच्छे से मैरिनेट होना चाहिए, लाइक इसको चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ देना मैरिनेशन के बाद, ठीक है, ताकि इसमें अच्छे से रस चला जाए भाई। मेन यही तो है, रस होना चाहिए चिकन में। भाई क्रिसमस, चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। तो आप दिखा सकते हो कि चिकन हमारा रेडी हो चुका है, मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं हाथ धो रहा हूँ, ठीक है। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, आपको मिलते हैं, ठीक है, जब हम मसाला बनाएंगे, लेट्स गो। तो गए, हमारे प्याज जो है गुनगुने से हो गए, जरा पास आके दिखाओ। तो देख सकते हो आप, हल्के हल्के से हो गए गुनगुने से। तो इसमें हम अभी पहले टमाटर डालेंगे, ये हमारी प्यूरी ऑलरेडी मिक्स होती है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ये हम पूरी डाल देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन। आज मेरे को ऐसा लग रहा है शायद क्रिसमस भी है तो तू थोड़ा और प्यार से खाना बना रहा है। ओ भाई साहब, अगर बाद में पता चला ना खाना अच्छा नहीं बना, सब पीट मिलके पीटेंगे जो आ रहे हैं ना खाने के लिए, सब मिलके पीटेंगे भाई क्या बनाया तुमने, क्या टट्टी बनाई है भाई साहब। इसको भी डाल देते हैं, आज नहले पे दहला, डबल डेकर टमाटो सॉस, वही तो सॉस ही सॉस है आज तो। तो इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देंगे इसमें।
लहसुन का पेस्ट हो गया, तो और इसमें हम फिर डालेंगे मसाले, नमक जितना भी आपको सही लगे टेस्ट के हिसाब से उतना डाल देना। गाइस आप सब देख रहे हैं ना प्रोफेशनलिज्म, एकदम चम्मच चम्मच का हिसाब है। देख रहे हैं जॉर्ड है तुम्हारा भाई जॉर्ड। शेफ ये क्या डाल रहे हैं? धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। बहुत बढ़िया। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट मसाला रेडी हो गया, एक बार दिखा दो। इसको हम थोड़ा पकने देंगे, ठीक है? जब पकेगा उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे मसाले को, ताकि प्रॉपर बटर मसाला, बटर चिकन वाला जो मसाला है वो बन सके, ठीक है? इसको थोड़ी देर पकने देंगे हम मसाले को, ठीक है? मैं एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देखूँ। एकदम मस्त, नमक मिर्च सब चाहिए। सही में अच्छा हो रहा है शेफ कि झूठ बोल रहे हो? ये तो खाने वाले बताएंगे कि कैसा बना है। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, मेरा तो मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा बना, ठीक है? जो खाने वाले वो बताएंगे, ठीक है? बट चलो ठीक है, आपको मिलते हैं। तो अभी हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है, एक बार दिखाओ। आओ, इट्स स्मेलिंग रियली गुड। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है, जैसे कि आप दिखा सकते हो ये मसाला फुड़फुड़ कर रहा है, बबल्स निकल रहे हैं इनके बीच में। ये फुड़फुड़ मतलब कि आपका मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है? ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? ग्राइंड करने के बाद ये मसाला कैसा लगता है, ठीक है? चलो मिलते हैं आपको दूसरी तरफ। तो इसमें हम डालेंगे अभी बटर, ठीक है? लास्ट, हाँ तो लास्ट बटर इसमें जा चुका है। तो बटर के साथ हम इसमें लास्ट चिकन डालेंगे, ठीक है? चिकन के पीस डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? तो एक बार इसमें चिकन डाल देते हैं। तो फाइनली हमारी मेहनत कामयाब हो चुकी है, सुबह से 12:30 बजे से लगे हैं, तो अभी टाइम हो चुका है, ठीक है? 4:30 बजे। एक बार कैमरा घुमाओ, पीछे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो देख लो, ये अलग ही व्लॉग चल रहा है वहां पे। Hey guys, this is behind the scenes. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तो पाजी भी आ चुके हैं, ठीक है? अभी हम बस ये तैयार करके फुल खाना पीना चलेगा हमारा। तो यार खाने पे ध्यान देते, बहुत भूख लग रही है। देखो बेचारे का चेहरा भी लाल हो गया भूख से। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना प्लीज। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्लीज दबाना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। और प्लीज रेकमेंड करना कि मैं क्या और बना सकता हूँ और क्या चीज पे बनाऊं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।